भयंकर गर्मी में लोग घरों से निकलते भी घबराते हैं। वहीं पिछले काफी दिनों से लगातार गर्मी और धूप में बैठे मजदूर अपने बच्चों के साथ रतिया के अनाज मंडी में धरना लगाए हुए हैं। वहीं गुरुवार को अनाज मंडी रतिया के गेट पर मजदूरों ने तालाबंदी भी की। सरकार और प्रशासन के खिलाफ मजदूरों ने जमकर नारेबाजी कर अपनी भड़ास निकाली। इस धरने में बच्चे महिलाएं भी शामिल रहीं। आपको बता दें कि अनाज मंडी रतिया में लिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है। मजदूरों को सूचना मिली कि उन्होंने मौके पर पहुंचकर बंद करवाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोष जताया। वहीं 9 दिनों में गोदाम शुरू करवाने को लेकर लगातार मजदूर किसान यूनियन ने रतिया मार्केट कमेटी में धरना लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि अनाज को हम बाहर नहीं जाने देंगे, मरना भी पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही और ना ही कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ आकर उनकी कोई सुत ले रहा है। मजदूरों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। रतिया के अंदर जो हैफड और FCI के मजदूर हैं, लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, वो पिछले 30-40 वर्षों से अपना इसी के ऊपर उनका रोजी रोटी का जो साधन है उनके पास एकमात्र, जो सीजन आता है सीजन के अंदर वो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं और अपना पेट पालते हैं। और इस बार सरकार ने, केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार जो गठबंधन की सरकार है, उसने फैसला सुना दिया कि जो रतिया का माल है, जो रतिया का गेहूँ है, वो सीधा खेदड़ जाएगा या और कहीं पर जाएगा, रतिया में नहीं लगेगा। जिससे रतिया का जो मजदूर है FCI और हैफड़ का 500-700 की गिनती में, वो सभी मजदूर बेरोजगार कर दिए और वो अपने बाल बच्चों के साथ मार्केट कमेटी के गेट के सामने पिछले 7-8 दिनों से धरने पर बैठे हैं। प्रशासन का, सरकार का कोई भी नुमाइंदा बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और जहाँ पर जो व्यापारी भाई हैं जिन्होंने माल खरीद रखा है, गेहूँ खरीदा है किसानों से, वो भी अपनी जगह पर ठीक है, उनका माल सरकार जब तक उठान नहीं करती तब तक उनको भी नुकसान है जो झेलना पड़ रहा है। सरकार मजदूर और व्यापारी दोनों को लड़वा रही है और जो सरकार के नुमाइंदे हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे SDM है चाहे DC है, वो AC वाले कमरे में अपना AC लगाकर आराम से बैठे हैं। हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक लिफ्टिंग नहीं होने देंगे। हमने कह रखे हैं सरकार से, SDM साहब से, DC साहब को भी अनुरोध कर रखे हैं, जो कि हमारा जितना भी माल है हैफड़ गोदाम में लगा जाए, दोनों एजेंसी का, हमारे DFC का है, जो भी है, रतिये की ही रतिये में लगा जाए। और उनको कह रहे, आश्वासन भी दे रखे हैं, हम भी लेबर की तरफ से दे रखे हैं, क्योंकि हमारे मजदूर का हक जो छीनने लग रहे हैं वो ना छीना जाए। और तो हम आश्वासन उनको दे रखे थे, माने क्या करें, आप नहीं कोई चीज़ करोगे तो हम गाड़ी साइड में लगाएंगे, हमारा गोदाम में लिया जाए, और जो गाड़ी यहाँ जाने लग रहा है बाहर, वो गोदाम में ही लिया जाए, कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इस हाँ जी, आगे राजनीति यही है जी, माने हमारा जो गेहूँ है रतिये गोदाम से बाहर नहीं जाया जाएगा, और जब तक हमारा जो, जब तक मांग पूरी नहीं होता है तो हम मंडी से माल एक भी एक बोरी नहीं जाने देंगे, या हमें मरना भी ना पड़े गेट के ऊपर ही, हमारे जब सरकार को ले जाना पड़ेगा माल तो हमारे सर के ऊपर से गाड़ी चला के ले जाए माल।